नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट कबीर आदित्य और आज एक नया ट्रेलर लेके आया हूं मैं, जिसका मैं रिएक्ट करूंगा। ना ही कि ट्रेलर देखने के बाद, ट्रेलर देखते देखते। तो जैसे ही मैं ट्रेलर देखूंगा, बीच बीच में पॉज करके मैं आपको बताता रहूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या लग रहा है, कैसे है। उसके बाद मैं आपको ट्रेलर खत्म होने के बाद ओवरऑल थॉट्स दूंगा उस ट्रेलर के बारे में। तो एंड तक बने रहिएगा। एक कमाल की फिल्म आ रही है जिसका नाम है ब्रेकिंग द बैरियर्स, रिबॉर्न फिल्म फेस्टिवल का। जैसे पिछला ट्रेलर था उलझन का, उनका ही फिल्म थी वो, और ये भी उन्हीं की फिल्म है। तो आइए ट्रेलर साथ में देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन कह लो, रिव्यू कह लो, एनालिसिस कह लो, मुफ्त का ज्ञान कह लो, कुछ भी कह लो। मुझे फिल्मों का शौक है तो मैं लगा रहता हूँ ये सब चीज़ों करने में। आई एंजॉय इट। सबकी अपनी अपनी एंजॉय होती है। Let's see. ये हेडफोन्स कनेक्ट करने में इतना टाइम क्यों लगता है? वैसे 2 सेकंड में गलती से हो जाते हैं, जब जाइए तो एकदम मतलब नखरे दिखाते हैं। जिन लोगों को याद नहीं है, फॉर्मूला 1 वो एक कार रेसिंग का जो स्पोर्ट है, जिनको पहले तो फॉर्मूला 1 नहीं पता। दूसरा, फॉर्मूला 1 इंडिया में एक बार हो चुका है, नोएडा में। इसका सिटी सर्किट है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट करके है ये। आई थिंक जब नोएडा, बिकॉज यूपी में आता है, तो मायावती चीफ मिनिस्टर थी तब, तो उन्होंने वो स्टेडियम बनवाया था। और पूरे तब से लेके अब तक सिर्फ एक ही बार रेस हुई थी, जब पहला इनॉग्रेशन हुआ था उसका। उसके बाद कभी रेस नहीं हुई। कुछ स्टैंडर्ड्स कुछ थे, क्या था पता नहीं। तो अभी ट्रेलर का देखते हैं क्या है। थोड़ी डॉक्यूमेंट्री की तरह लग रही है, बट क्या किसी और के बायोग्राफी कुछ पता नहीं। लेट्स सी। अभी एक तो फुटेज वही है प्रॉपर, जो रियल और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फॉर्मूला 1 रेसर्स की, और जो उस रेस वहाँ हुई थी उन सब की वगैरह। लेट्स सी। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, एक फॉर्मूला 1 में एक इंडियन रेसर भी रह चुका है, आई थिंक नारायण कार्तिकेयन करके था। अब वो शायद नहीं रेस करते, बट वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। My dream was the pinnacle of motorsport, which is Formula One. It resulted in bringing also Formula One to India. The way motorsport has evolved in India is unique to us. तो मैं बिल्कुल सही था, ये थोड़ी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मूवी लग रही है, उसका ट्रेलर है ये। डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत देखने में मजा आता है नेटफ्लिक्स में, जब कोई भी टॉपिक हो, अगर वेल मेड डॉक्यूमेंट्री होती है तो थोड़ा सा भी जो कोई अननोन टॉपिक हो ना, वो एकदम इंटरेस्टिंग बना देती है। चाहे वो क्राइम केसेस हो, या आपके कंस्पिरेसी थ्योरीज पे हो, या हिस्ट्री के टॉपिक्स हो। स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी देखी, जैसे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जीता था ऑस्ट्रेलिया में, उस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है, द टेस्ट करके ऐसा कुछ करके। इनसाइड फुटेज पूरा उसका, रूम्स का वगैरह पूरा, या इंटरव्यूज भी हैं जो लोगों के ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के, जो ऑस्ट्रेलियन टीम के खुद के इंटरव्यूज रह चुके हैं। उन्होंने तो स्पेशल शूट भी करे थे कि ड्रेसिंग रूम में एक्सेस देंगे उनको, तो उनको पता है डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो ये फॉर्मूला 1 का मैं पहली बार एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री देखा। मैंने क्रिकेट पे देखी है, बास्केटबॉल पे देखी है, माइकल जॉर्डन वाली मैंने, टाइगर वुड्स की देखी है, गोल्फ पे, फुटबॉल पे कईयों की देखी, आई थिंक रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की देखी, नेमार की आ चुकी है, मुझे उतनी खास नहीं लगी थी, बट फॉर्मूला 1 की ये पहली है, तो देखते क्या है। Mumbai. They've been through Europe and come deep into Asia. The 72 survivors of the London to Sydney Marathon car rally got the rousing welcome they deserved. Who would imagine that you would drive London to Sydney? There was one man, one Indian. London to Sydney or Bombay beech mein padta hai. Marathon thi, gaadiyon ki bhi marathon hoti thi ye. Mujhe laga sirf running ki marathon hoti thi. One Indian who took part both in 1968 London to Sydney rally and he took part in the 1977 rally. By that time when he started off, he was last. So I knew now the tires deteriorating. With a 3 tires, the other one was of course a flat. A finish, it was on the rims. Of course, he went on to finish, he went on to win, and for me, my God. At the same time when Curry arrived. 1 minute. मुझे एक तो पता ही नहीं है कि लंदन से सिडनी मैराथन हुई थी इंडिया के थ्रू जाते हुए। एक इंडियन पार्टिसिपेट कर चुका है और अपेरेंटली इंडियन को जीत भी चुका था।
So did Vicky. And then, of course, Vijay being Vijay. When he brought the Ensign, the first Formula One car ever to visit our country. 1982 and 1983, the Indian Grand Prix at Madras. I think it was a microsecond finish at the end. To the line, and over it comes Jim Crawford. Magnificent victory, second place Vicky Tanda. Winning a race is about the checkered flag, not whether you spun or not. I think ये जो documentary जो मुझे सबसे पहली बात तो impressive है कि एक तो ये history भी है उसकी racing, motor racing की history of motor racing जो India से connected है और उसके बाद जो Formula One कैसे introduce हुआ और कैसे वो race हुई थी. हो सकता है Formula One फिर से India में होने वाली हो, but जो ये trailer था it really got my interest. कोई लोगों को थोड़ा negative mindset हो सकता है because Vijay Mallya included है इसमें, Vijay Mallya को सबको पता ही है, but जिनको फॉर्मूला वन का शौक है, जिनको डॉक्यूमेंट्रीज इंटरेस्टिंग लगती है, आई थिंक ये एक गेम चेंजर है क्योंकि ऐसा टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री मैंने पहले नहीं देखी है. फॉरगेट अबाउट इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज, ये बाहर की डॉक्यूमेंट्री मुझे कोई याद नहीं है फॉर्मूला वन पे जो बहुत रिमार्केबल रही हो. कोई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना. बट मतलब दे हैव नॉट ओनली टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्री ऑफ फॉर्मूला वन मोटर स्पोर्ट और जनरल उसकी, बट इंडिया से कनेक्ट किया है. आई एम इम्प्रेस्ड. मुझे तो ये कहानी पता भी नहीं थी कि कोई इंडियन उससे रिलेटेड था. आई एम एक्साइटेड. तो मुझे तो वो बहुत बढ़िया लगा. आई एम टेलिंग यू, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्स होता है. विजय माल्या जब इंटरव्यूज देता है, जब वो बात करते हैं, ही इज चार्मिंग, ही इज कैरिज्मेटिक. बंदा कहता है उनको सुनते जाओ. तो अगर डॉक्यूमेंट्री में उनका हाथ है जो फॉर्मूला वन से रिलेटेड का इंट्रोडक्शन टू दैट और उनके जो पर्सनल उनके इंटरव्यूज रहेंगे, उनसे जो सवाल जवाब होंगे, फीके नहीं होंगे यार. मैं बता रहा हूँ, वो कैप्चर करेगी पूरी एसेंस को, उनके एटीट्यूड को, उनके माइंडसेट को जो इस रेसिंग से रिलेटेड है. और मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गोल्ड जेम जो अभी एक आया, ये ब्रेकिंग द बैरियर्स. लाइक नो बेटर मैन देन विजय माल्या जिसने खुद इंटरव्यूज किया और उसके खुद का इंटरव्यू है इसमें. लाइक कोई और इससे बेहतर ये बता नहीं सकता था कि इसके बारे में जो स्टोरी डॉक्यूमेंट्री में की जाएगी. मैं एक पार्ट और देखना चाहता हूँ, क्या इंडियन को जीता था शायद. One Indian who took part both in 1968 London to Sydney rally and he took part in the 1977 London. By that time when he started off, he was last. So I knew now the tyres deteriorating. With three tyres, the other one was of course a flat. Finished, it was on the rims. Of course, he went on to finish, he went on to win, and for me, my God. At the same time when Curry arrived, अच्छा तो वो इंडियन वो जीत गया था जिस हिसाब से मुझे दिखा है. आई थिंक डॉक्यूमेंट्री में और उसका जो इंट्रोडक्शन होगा, नाम होगा, कौन था, क्या था, कैसे है, बट आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड ओवरऑल. एक सेकेंड, मतलब नोएडा वाला पहला फॉर्मूला वन इंडिया में नहीं हुआ था. इंडियन ग्रैंड प्री ऑलरेडी मद्रास, जब चेन्नई से नाम से पहले मद्रास हुआ करता था, 1982-1983 में हो चुका है वो एक जो है इंडियन ग्रैंड प्री मद्रास. I think it was a microsecond finish at the end. To the line, and over it comes Jim Crawford. Magnificent victory, second place Vicky Tanda. Vijay Chandra. Winning a race is about the checkered flag, not what you spun or not. Vicky Chandra. Second place आई थी Formula One में जब इंडिया में हुई थी. You see? ये चीज़ें मैं कई बार मैं शायद गूगल भी कभी नहीं करता, या आप में से कोई गूगल नहीं करेगा, पर ये डॉक्यूमेंट्री में ऐसे ऐसे फैक्ट्स आए हैं. हो सकता है ये एक रेवोल्यूशन हो हमारे इंडिया के फॉर्मूला वन के इंटरेस्ट का. यस, फॉर्मूला वन काफ़ी रिच लोगों का स्पॉट है, बट कहीं ना कहीं वो पैशन तो जगना ज़रूरी है. एक टाइम पर क्रिकेट भी बहुत नोबेल लोगों का स्पोर्ट हुआ करता था, बहुत ही पैसे वालों का, बहुत ही प्रेस्टिजियस एरिस्टोक्रेटिक उन लोगों का हुआ करता था. पर आज हर गली नुक्कड़ से आपका क्रिकेटर कहीं से भी निकलता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल एंड टैलेंट. और वो जब इंडिया जब एक कंट्री रिकग्नाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटी देती है, तो जब कहीं से भी जब टैलेंट निकलता है तो फॉर्मूला वन में क्यों नहीं हो सकता. इंजीनियर्स भी बहुत है हमारे पास, वो अपने पैशन इसमें लगा सकते हैं. हमारे रेस ड्राइवर्स भी कहीं बार निकल सकते हैं. आई थिंक दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप अहेड जो हमारा गेम चेंजर हो सकता है. आई थिंक मैं टॉपिक कहीं और लेके जा रहा हूँ ट्रेल पर, बट मेरा मन था ही बोलने का क्योंकि इंडिया इज़ मोस्ट नोन फॉर क्रिकेट और थोड़ा बहुत ओलंपिक्स में बस, एंड फॉर्मूला वन में तो कुछ बात ही नहीं होती थी. बट जिस हिसाब से ये देख रहा है, क्या मालूम कोई नया इंटरेस्ट पैदा हो. ओवरऑल मुझे बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा. ये एक नई डॉक्यूमेंट्री है, नई टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकती है हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए. द ओनली ड्रॉबैक जो मुझे लगता है, काश ये थोड़ा इसमें हिंदी में होता, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया में भले ही जानते हो बट वो प्रिफर नहीं करेंगे देखना. भले ही ऑलमोस्ट 90% इंडियंस
बोलना जानते, थोड़ी बहुत समझना जानते हो, बट कोई भी प्रेफर नहीं करता इंग्लिश में कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई वो देखना वीडियो जब कोई बैठ के देखता है घर पे। तो अगर हिंदी में होती तो शायद एक वाइडर ऑडियंस होती, या अगर ये दोनों लैंग्वेजेस में होती तो और भी बढ़िया होता। बस मुझे वही एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि नॉर्थ स्टेट्स में उसका हो सकता है, बट ओवरऑल दिस इज़ अ गेम चेंजर जो एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो बाकी आपको क्या लगता है, मैं इस ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसा लगा ट्रेलर, और अगर आपको ये ट्रेलर रिएक्शन पसंद आया और भी आप ट्रेलर मुझे भेजिए मूवीज़ के, अगर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, और मूवीज़ का तो एनालाइज कर ही चुका हूं मैं, पर ट्रेलर रिएक्शन ऐसे देखते हुए पहली बार मैंने किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया करते हुए, ऐसा मतलब कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ा मुझे, मेरे लिए तो और उल्टा आसान ही हो गया था। तो जो भी है, अगर आपकी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, जो फॉर्मूला वन के आपके दोस्त हैं, एंथुजियास्ट हैं, अब तो इंग्लिश स्पीकिंग भी है डॉक्यूमेंट्री, तो आप फॉरेन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये जो ट्रेलर है। बाकी आपको जो इंडियन ऑडियंस के साथ मेरा ये रिएक्शन वीडियो शेयर कर सकते हैं, और बस चैनल को बस एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी सीधा नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगी। बाकी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वंस अगेन।